हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं और आज हमने ये वॉल ली है। और ये वॉल लेने का मेरा एक कारण भी है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और स्वतंत्रता दिवस है, तो सारा देश भगवा में ट्री कलर में लगा हुआ है, तो हमने इसलिए भगवा कलर की वॉल ली है। मैंने अपनी टी शर्ट भी रेड कलर की पहनी है। तो अब देखते हैं इस पेंटिंग को बनाते हैं, क्या पेंटिंग बनती है इसको देखना, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा आएगा। ओके, जब हम कलर्स लगाते हैं तो उन कलर्स को थोड़ा घोलना अच्छा होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो वाटर है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड कलर्स हैं, एक्रेलिक बोलते हैं जिनको, तो इसमें वाटर जो है इसका ऊपर आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह मिला लें जिससे कि ब्रश देते टाइम इसकी कवरिंग अच्छी आए। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि अपोजिट कलर्स नहीं मिलने चाहिए। जैसे मैंने ग्रीन का ग्रीन है, ब्लू है, लाइट ग्रीन है, मिंट ग्रीन है, तो ये मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको येलो में नहीं डाल सकता। येलो में डाला तो फिर येलो को ग्रीन बना देगा। ब्रश धोना पड़ेगा तब हम ये।
फ्रेंड्स, जब हम ये पेंटिंग्स करते हैं तो कई बार कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जो एक कोट में नहीं आ पाते, जैसे कि ये हाथ है और यहाँ है, यहाँ है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर डबल कोट लगाएंगे रीपेंट। अब देखिए ये बेहतर हो गया, इसमें जैसे पैचेस आ रहे हैं तो इन पैचेस को हम रिमूव करने के लिए इसके ऊपर डबल कोट पेंट लगाएंगे, जैसे कि ये हाथ पे भी आ रहे हैं, तो अब देखेंगे फर्क किस चीज़ का। तो अब इसमें पैचेस नहीं है, पैर में आ रहे थे, तो जहाँ आपको लगे कि पिछला बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आप ये डबल कोट करिएगा।